क्या हाल चाल है अब्बा? ठीक ठाक हो? नहा लेता है। अभी हम अम्मा की फैमिली के साथ हैं। आपने एक वीडियो देखी होगी हमारी, अब से 3-4 महीने पहले एक हमारे भाई थे जो बहुत ज़्यादा बीमार थे और हमने उनकी मदद की थी। जब से मदद की अल्लाह का शुक्र है, जब से वो कुछ ठीक हुए हैं। और अब मैं उनकी माली हालत आपको दिखाना चाहता हूँ। माली हालत ये है कि ये एक किचन है, किचन समझते ना, रसोई समझ लीजिए। ये मैं दिखाना चाहूँगा, आप दिखाइए मेरे कैमरामैन। ये बाथरूम है और इस बाथरूम में ये अपनी ज़िंदगी को चला रहे हैं। ये 4x5 का, 4x6 का एक छोटा सा कमरा है। कमरा तो इन्होंने बनाया हुआ है लेकिन ये बाथरूम है और इसी बाथरूम में ये लोग हैं। ये 3 लोग हैं। अम्मा ये बताइए, क्या इसी बाथरूम में रहते हैं? इसी में रहते हैं, कहाँ रहेंगे। फिर नीचे से खाली कर दिया, वो तुमने देखा था, खाली कर दिया। देखा आपने ज़िंदगी कैसे काटते हैं लोग। दवाई लेने जाना था, नहीं जा पाए। मैंने इसको भी दिखा लाऊंगी। आपके पूरे रोजों में कुछ नहीं देखा हमने, ये क्या है क्या नहीं। जब बारिश वगैरह आती तो इसमें बैठ जाएंगे, इसमें बैठ जाएंगे। ये भी किराएदार है? हाँ, ये वो लड़का है, वो ठेली चलाता था, जो वो रहता है इसमें, उसकी फैमिली। उसका भी 3 महीने का किराया चढ़ गया, काम धंधा नहीं था इसके लड़के का। अब जब कल दुकान खोली है तो गया है दुकान पे। ज़िंदगी कैसे कैसे लोग जीते हैं ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, क्या ज़िंदगी है। हाँ भाई, क्या हाल चाल है? बस जी, खैर आता है। हम आए थे आपके पास, तब तो आप उठ भी नहीं सकते थे। हाँ, अब तो बैठ जाता हूँ, चल नहीं पाता। बस चल नहीं पाता। पहले से आराम है? पहले से आराम है, जो आप थोड़ी मदद कर रहे थे उससे आराम है। दवाई वगैरह लिया आपने? हाँ, दवाई चल रही है, GTV की दवाई चल रही है, वो ख़त्म हो गई है, लेकिन जाने की उनका साधन नहीं है। बस इतना छोटा कमरा है कि हम इस कमरे में जा भी नहीं पा रहे हैं। पैर काम कर रहे हैं, अब चल सकता है? नहीं, अब पैर काम कर रहे हैं। हाँ, नहीं, पैर बेकार हो गए थे, वो बेकार हो गए तो क्या करें। अब चल सकता है और उम्मीद है कि ये जल्दी चलने लगेगा। खुश हैं बाप? हाँ, ऐसे जाता हूँ 4x5 तक, ऐसे खड़ा मतलब खड़ा नहीं हो पाते। तो आपकी आंखों का इलाज हुआ भाई? नहीं हुआ, काम हुआ। दिखाया किसी अस्पताल को? दिखाया? हाँ, दिखाया तो वो पैसे मांगते हैं ज़्यादा, पैसे हम दे नहीं सकते। अब देख लीजिए, बहुत से हमारे साथी कहते हैं कि अल्लाह ने हमारे लिए किया क्या है, हमें क्या दिया है, हमें खाने को नहीं है, रहने को नहीं है। अब ये ज़िंदगी देख लीजिए, इस ज़िंदगी में ये 4 लोग कैसे गुजारा कर रहे हैं। और अब तो माशाल्लाह ये भाई ठीक है। ये कुछ पैसा है इसमें, ठीक है, रख लीजिए ये, ठीक है। ये दवाई वगैरह में काम आएगा, मैंने पहले भी आपको पैसे भेजा था, मैं जब आया था तब भी मैंने दिया था, अभी मैं आपको कुछ ये दे रहा हूँ। तो हम भी इतने ज़्यादा मालदार नहीं है, ठीक है, हम भी कर दिया, कौन करता है आजकल के टाइम में इतना। जी, वो 1000 रुपये में 600 की तो उसकी दवाई आ गई थी, तेल की शीशी आई 300 की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं हमेशा अपने वीडियो में कहता हूँ कि जो ऐसे लोग हैं, ऐसे लोगों को आपकी मदद की ज़रूरत है, हेल्प किया करो, मदद किया करो। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। और अगर आप हमारी वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसे ही मोहब्बत बांटते रहिए।